आज मैं बनाऊंगी येलो ब्लू कलर के इयररिंग जो मैंने इस येलो कुर्ते पे वियर किए थे। लेट्स स्टार्ट। तो इसके लिए मैंने लिए ब्लू कलर के बीट्स, डार्क ब्लू कलर के सीक्वेंस, पर्ल्स एंड ब्लू कलर के बीट्स। सबसे पहले मैंने कोरस कॉटन लिया है। कोरस कॉटन को मैं इस शेप में कट करूंगी। सेंटर में मैंने एक सर्किल बनाया है और साइड में तीन लीव बनाई हैं। इन पे मेरे को बीट्स लगाने हैं येलो कलर के। सेंटर में मैं पर्ल को अटैच करूंगी। जो मैंने सर्किल बनाया है वहीं पे मैं पर्ल को अटैच करूंगी। येलो कलर के बीट्स लूंगी और जो ये पर्ल लगाया है इसके साइड साइड में मैं येलो कलर के बीट्स को भी अटैच करूंगी। येलो बीट्स को अटैच करने के बाद मैं पर्ल लूंगी और पर्ल्स को मैं जहाँ पे मैंने येलो बीट्स लगाए हैं उसके साइड साइड में मैं पर्ल्स लगा दूंगी। तो आप देख रहे हो मैंने साइड में पर्ल्स लगा दिए हैं। मैंने यहाँ पे जो थ्रेड है उसके अंदर येलो कलर के बीट्स तो डाले हैं, लेकिन जब मैं इनको अटैच करूंगी तो मैं फैब्रिक ग्लू की हेल्प से इनको अटैच करूंगी, क्योंकि अगर मैं थ्रेड से इनको अटैच करूंगी तो इनकी वो फिनिशिंग नहीं आएगी, क्योंकि ये कर्व शेप में हमें अटैच करने हैं। इसीलिए तो मैं फैब्रिक ग्लू लूंगी और उसकी हेल्प से इसको अटैच कर दूंगी। यहाँ पे हम बिना थ्रेड के भी बीट्स को अटैच कर सकते हैं सिर्फ फैब्रिक ग्लू की हेल्प से, लेकिन उससे वो फिनिशिंग नहीं आती है और थोड़ा सा रिस्क भी रहता है कि एक आधा बीड हमारा गिर ना जाए। इसीलिए मैं हमेशा थ्रेड में इनको पहले डालती हूँ, उसके बाद ही अटैच करती हूँ। इजी से स्टेप्स हैं इस इयररिंग को बनाने के लिए। मैंने 1 आवर में दोनों इयररिंग कंप्लीट कर लिए थे अपने। हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी हम फैब्रिक ग्लू का यूज़ करते हैं तो यूज़ करने के बाद मैं उसको 10-15 मिनट्स के लिए ड्राई होने के लिए रखती हूँ। तो जब मैं यहाँ पे इन सारे लीव्स पे ये लगा लूँगी उसके बाद मैं इसको 10-15 मिनट्स ड्राई होने के लिए रखूँगी। आपको जितना भी बड़ा इयररिंग चाहिए आप उस अकॉर्डिंग पैटर्न को ड्रॉ करके कट कर सकते हैं। मेरे को इतना सफिशियंट लगा था। हमारा बस लास्ट पार्ट बचा है, यहाँ पे भी मैं बीट्स को अटैच कर लूँगी। तो ऑलमोस्ट मेरी सारी बीट्स मैंने लगा ली हैं, अब मैं इसको ड्राई होने के लिए रख दूंगी। मैंने यहाँ पे येलो और ब्लू का कॉम्बिनेशन लिया है। आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो जो भी आपको पसंद हो। अब मुझे सीक्वेंस लगाने हैं, तो सीक्वेंस लगाने से पहले मैं पेंसिल से लाइंस ड्रॉ करूंगी। लाइंस मैंने इसीलिए ड्रॉ की हैं क्योंकि जब मैं सीक्वेंस लगाऊंगी तो मुझे आइडिया होगा कि मुझे किस डायरेक्शन में सीक्वेंस को लगाना है, तो उससे फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो मैं तीनों लीव्स पे अपनी लाइंस ड्रॉ कर लूंगी। यहाँ पे मैंने 3 to 4 लाइंस बनाई हैं। आपने जो भी पैटर्न जिस भी साइज में कट किया है उसके अकॉर्डिंग ये लाइंस चेंज हो जाएंगी। नेक्स्ट पार्ट के लिए अब मैं सीक्वेंस लगा रही हूँ। एक एक करके मुझे सीक्वेंस लगाने हैं। तो सीक्वेंस लगाने का तरीका यही है, जब हम पहले वाला सीक्वेंस लगाते हैं उससे जस्ट थोड़ा सा स्पेस मैं छोड़ूंगी और वहाँ पर दूसरा सीक्वेंस लगाऊंगी और पहले वाले सीक्वेंस के अंदर वो थ्रेड डालूंगी। तो आप देख रहे हो मैं एक एक करके सीक्वेंस ले रही हूँ और पहले वाले सीक्वेंस के अंदर वो थ्रेड डाल रही हूँ। आई होप आपको समझ आया हो मैं सीक्वेंस कैसे लगा रही हूँ। थोड़ा सा ट्रिकी है ये लगाना। सीक्वेंस लगाते टाइम एक बार आपके रिदम बन जाएगी तो ये जल्दी जल्दी लग जाएंगे। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है ये प्रोसेस। यहाँ पे जो मैंने ब्लू कलर के सीक्वेंस यूज़ किए हैं इनकी भी शेप अलग अलग आती है। मैंने ये छोटे वाले सीक्वेंस यूज़ किए हैं, इससे एक साइज़ बड़े में भी आती है। यहाँ पर मुझे छोटे वाले ज़्यादा अच्छे लग रहे थे तो मैंने वही यूज़ किए हैं। आज जो इयररिंग हम बना रहे हैं आप इनको इंडियन और वेस्टर्न दोनों ड्रेस पे कैरी कर सकते हो। मैंने दोनों पे पहन के देखा था, दोनों पे बहुत अच्छे लग रहे थे। तो मैंने जो सीक्वेंस है वो एक लाइन मेरी कंप्लीट हो गई है। ऐसे ही मैं साइड में दूसरी लाइन भी कंप्लीट करूंगी। एक एक करके मुझे सारे जितने भी लीव्स हैं उनमें सब में ऐसे ही इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मुझे सीक्वेंस लगाने हैं। अगर आपको सीक्वेंस लगाना अभी भी समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, मैं एक अलग से शॉर्ट वीडियो बना दूंगी सीक्वेंस लगाने के लिए। पूरी इयररिंग बनाते टाइम सिर्फ सीक्वेंस लगाने में ही थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होता है, बाकी चीज़ें तो बहुत जल्दी हो जाती हैं। बाकी सब इजी इजी से स्टेप्स हैं। ये भी बहुत इजी स्टेप है लेकिन इसमें क्या है कि टाइम कंज्यूम होता है हमारा। यहाँ पर मैंने 3 लाइन कम्प्लीट कर ली हैं, अब 4th भी मैं कम्प्लीट करूँगी। उसमें आप देख रहे हो कि थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ है, लेकिन मैं उसमें भी सीक्वेंस लगाऊंगी क्योंकि ना ये वाइट जो हमारा कोरस कॉटन है ये दिखने में अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैंने 4th लाइन भी लगाई है। 1st लीव कंप्लीट कर ली है मैंने, अब मैं 2nd लीव पे भी सेम ऐसे ही सीक्वेंस लगा रही हूँ। जैसे भी लीव हमारी टर्न हो रही है मैं भी उस अकॉर्डिंग सीक्वेंस लगाते टाइम टर्न हो रही हूँ, जिससे फिनिशिंग अच्छी लगेगी हमारी। आई होप मैं जो भी वीडियोज़ बनाती हूँ आपको पसंद आती होंगी। अगर आपको कोई स्पेशल इयररिंग जो आपको पसंद हो आप चाहते हो मैं उसको बनाऊं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, मैं उसको बनाने की कोशिश करूंगी। तो एक एक करके मैंने यहाँ पे सारे लीव्स पे सीक्वेंस लगा लिया है। अब हमें ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब जो साइड वाला पार्ट है इस पर हमें बीड्स लगाने हैं।
तो मैंने यहाँ पे दो टाइप के बीट्स लिए हैं, स्काई ब्लू एंड डार्क ब्लू कलर के, जो मैं इन सीक्वेंस के ऊपर वाले स्पेस पे लगाऊंगी। एग्जैक्ट कोई कैलकुलेशन नहीं है कि हमें बीट्स कितने लेने हैं, हमें सिर्फ ध्यान में रखना है कि जितने भी हम बीट्स लें वो हमने जो सीक्वेंस लगाए हैं वहाँ तक अटैच हो जाएं। यहाँ पे मैंने ऊपर की साइड स्काई ब्लू कलर के बीट्स लिए हैं और नीचे की साइड डार्क ब्लू कलर के बीट्स, तो एक एक करके मैंने सारे बीट्स लगा दिए हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैंने फैब्रिक कलर लिया है, फैब्रिक कलर की हेल्प से मैं बैक साइड में थोड़ी सी फिनिशिंग दूंगी। आप चाहो तो कोई फैब्रिक भी इसके पीछे अटैच कर सकते हो, लेकिन फैब्रिक से क्या होता है कि थोड़ा सा हैवी हो जाता है हमारा इयररिंग, तो मैं लाइट वेट रखने के लिए जो भी मैं बना रही हूँ जिस भी कलर का इयररिंग उसके अकॉर्डिंग मैं पीछे की साइड कलर कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे पूरा येलो नहीं किया है, मेरे को ये ऐसे अच्छा लग रहा था कि मैं साइड साइड में बॉर्डर येलो कलर का करूँ, तो ये ज़्यादा सुंदर लग रहा था। ऑलमोस्ट हमारा इयररिंग बन के रेडी हो गया है, अब बस लास्ट पार्ट बचा है। मैं स्टॉपर को फैब्रिक ग्लू की हेल्प से अटैच करूंगी। मैं यहाँ पे सेंटर में इसको अटैच नहीं कर रही, थोड़ा सा ऊपर की साइड अटैच कर रही हूँ ताकि इसका जो वेट है वो बैलेंस हो जाए और हम जब इयररिंग पहने तो वो एकदम स्ट्रेट दिखे हमें। फाइनली हमारे दोनों इयररिंग बन के रेडी हैं। आई होप आपको पसंद आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।